नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार एचयू न्यूज से, और आज हमें ग्राम पंचायत पचवा में श्री स्मिता देवी प्रधान जी के साथ और उनके पति। तो सबसे पहले सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी सोनपाल जी, हाँ जी, आप किस ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी? सबलपुर। सबलपुर में और भी कोई गांव आता है? नहीं नहीं, वोटिंग है 865। कितने वोटों से आपकी जीत हुई? आप 36 वोट से। 36 वोट से। तो कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे गांव? 9 खड़े थे। 9 खड़े थे। अच्छा प्रधान जी, अब आप जनता को अहमियत देंगे कि वोटों को? है? अब वोट पड़ गए, अब जनता को अहमियत दोगे या वोटों को? जनता को देंगे। जनता को? जनता को देंगे। तो आपने ऐसा क्या देखा कि आप पूर्व में प्रधान थे? पूर्व में प्रधान थे क्या? नहीं, पहले नहीं थे। अच्छा, तो आपने ऐसा क्या देखा जन समस्या को कि आप प्रधान बनने के लिए आ गया? मतलब अरे, हम जनता के लिए भले थे जी, अच्छे थे जी, इसलिए जनता ने हमको चुना है जी। हाँ, तो जनता की सेवा करेंगे हम जी। अच्छा, गांव में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं गांव की? गांव के ये खरंजे होते हैं, नाली होती हैं, सफाई भी होती है जी। है, वो करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा होते हैं उनको शांत कराएंगे जी। तो नहीं मतलब और क्या, यही बातें होती हैं जी। तो आपके गाँव में कोई ऐसी समस्या जो चल रही हो? अभी तो कोई समस्या नहीं चल रही है। तो आपने अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग COVID-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो पालन करें? नहीं, हाँ, मास्क लगवाएंगे, मास्क पालन करेंगे जी। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, आपको वोट मिले, जनता का प्यार मिला, प्रेम मिला, तो क्या आप जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे? जनता को मतलब, जनता के लिए मतलब हम वोट दिए, जनता के लिए बहुत बहुत बधाई है, जनता की सेवा करेंगे हम, जितनी बनेगी उतनी कम है हमारे जी। ये थे हमारे साथ प्रधान जी सोनपाल व उनकी पत्नी सुनीता देवी जी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।